डेफिनेशन जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं एसडीडी, उसमें क्या क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट एट अ पार्स ट्री नोड इज डिफाइंड बाय अ सेमांटिक रूट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन यूज्ड एट दैट नोड. अब एट्रीब्यूट जो है जो हम डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू को हम किसी रूल के जरिए से डिफाइन करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि e की वैल्यू, e डॉट वैल एक एट्रीब्यूट है, वैल एक एट्रीब्यूट है e डॉट वैल, e का यानी के, सही है ना? तो इसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? मैं e1 डॉट वैल और t डॉट वैल को जब प्लस करूंगी तो मुझे e डॉट वैल मिल जाएगी, सही है? तो एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है हम पार्स ट्री की नोड्स के जरिए से डिफाइन करते हैं, सही है? और जो नोड्स की वैल्यूज होती है उनके हिसाब से हम किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं और प्रोडक्शंस में ही डिफाइन कर लेते हैं. क्योंकि हमें रिकॉल करना है कि ये जो प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं यही प्रोडक्शंस हमारी डेरिवेशन में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन से ही हमें हेल्प करती है कि हमें पार्स ट्री बनाना है, और पार्स ट्री बनाने के बाद हम उसे एट्रीब्यूट वैल्यूज उस पर लगाएंगे. इसको हम कहते हैं ट्री को एनोटेट करना, एनोटेशन, ठीक है? अब सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्योंकि सिंपल होते हैं तो उनको पहले समझ लेते हैं. द वैल्यू ऑफ अ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एट अ नोड इज कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स एट द चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड इन पार्स ट्री. सिंथेसाइज एट्रीब्यूट जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे से कैलकुलेट होना शुरू होती है. यानी कि मैं ट्री क्रिएट करूंगी और ट्री के लीफ पे जाऊंगी, लीफ पर जो मुझे एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल रही होगी वो मैं ऊपर की तरफ पास करना शुरू करूंगी. तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी है ना, इसी एग्जाम्पल को हम लेकर चलेंगे और इसका हम एक ट्री बनाएंगे एक एक्सप्रेशन लेके, और उसको हम देखेंगे कि उसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे नीचे से ऊपर पास होगी. फिलहाल हम सिंथेसाइज पे फोकस करते हैं. सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होती है हमेशा उसके जो चाइल्ड नोड होती है उनकी वैल्यू से ऊपर की तरफ जाती है, तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ आती है, सही है? तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है. इनहेरिटेड एट्रीब्यूट या तो अपने सिबलिंग से वैल्यू लेकर आता है या पेरेंट से वैल्यू लेकर आता है, ठीक है? यानी ऊपर से इनहेरिट करता है वैल्यू. तो ये दो तरीके हो गए हमको, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पार्सिंग करने के दो तरीके हो गए, ये एनोटेट करने के दो तरीके हो गए. एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो गया, एक सिंथेसाइज हो गया. लेकिन हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दोनों तरह के एट्रीब्यूट एक ही एग्जाम्पल में मौजूद. फिलहाल हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे और दोनों की अलग अलग एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे. फिर उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके भी देखेंगे लास्ट में एग्जाम्पल में, ठीक है? अब ये जो प्रोसेस होता है, ऐसा पार्स ट्री जिसमें कि हम एट्रीब्यूट की वैल्यूज दिखा रहे हो पार्स ट्री पे, वो एनोटेटेड पार्स ट्री कहलाता है. और ये जो प्रोसेस होता है एट्रीब्यूट वैल्यूज को कंप्यूट करने का प्रोसेस, ये एनोटेटिंग और डेकोरेटिंग पार्स ट्री कहलाता है, ठीक है? अब सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एक ऐसी एसडीडी यानी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जिसमें के सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुए हों सिर्फ, उसको हम कहते हैं एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, ठीक है? अब और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट या एस एट्रीब्यूटेड जो डेफिनेशन होती है उसमें जब हम पार्स ट्री की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हम बॉटम अप जाते हैं, सही है? लीफ से ले, लीफ नोड से जाएंगे रूट नोड तक जाएंगे तो हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम इसी से समझ सकते हैं कि जब हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की वैल्यू टॉप से आती है या फिर सिबलिंग से आती है. सिबलिंग वही होता है ना, एक अगर ट्री है उसके दो चिल्ड्रन है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के सिबलिंग है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिबलिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो आगे चल के हम देखेंगे. फिलहाल हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की एग्जांपल करते हैं, यही वाली प्रोडक्शंस इस्तेमाल करते हैं जो अभी हमने देखी थी, और इन्हीं प्रोडक्शंस के जो रूल्स हैं सिमेंटिक रूल्स, ये आप देख सकते हैं कि ये हर प्रोडक्शन के साथ सिमेंटिक रूल्स डिफाइंड है. तो अगर अब मुझे ये मुझे करना क्या हो कि मुझे ये पार्स ट्री बनाना है इस एक्सप्रेशन के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 एन, मुझे इसके लिए
पास ट्री क्रिएट करना है, प्रोडक्शंस मेरे पास ये है गिवन, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे ये वाली चीज बनानी है तो इसके लिए पहले मैं ट्री बनाऊंगी, सही है ना। तो अब हम वैसे ट्री तो बना बनाया आपके सामने रखा हुआ है, ये इसका ट्री हम किस तरीके से बनाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में कि ये ट्री किस तरीके से बनेगा, नोड्स इसमें किस तरीके से ऐड होंगी। ठीक है, पहले हम ट्री बनाते हैं और ट्री को बनाने के बाद फिर एनोटेट करते हैं। तो जो फाइनल ट्री होता है, एनोटेटेड पार्स ट्री जिसे हम कह रहे हैं, वो ये वाला होता है जो आपके सामने बना हुआ है। इस एनोटेटेड पार्स ट्री में सारी एट्रीब्यूट की वैल्यूज भी विजिबल होती हैं, वो नजर आ रही होती हैं हमें। तो इस तरह के ट्री को हम एनोटेटेड पार्स ट्री कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी चीज फॉरन तो नहीं हो जाती है, तो एनोटेटेड पार्स ट्री बनाने के लिए पहले हमें पार्स ट्री बनाना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन का ट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है,